हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपको स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई चली होगी। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको गणित कक्षा 10 की डॉक्टर मनोहरे हर्षरूप शर्मा, एनसीईआरटी पैटर्न की बुक है। अध्याय नंबर आपको पढ़ा रहा हूँ 9, त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली है 9.1 के। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बता दिए थे, आज उसके आगे बताऊंगा। कल मैंने आपको 11 नंबर तक बताए थे, शायद 11 नंबर आपको होमवर्क में दिया था, तो आज आपको उसके 11 का ही सोल्यूशन बताएंगे। 11 के बाद आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, यहाँ पे 16 नंबर तक आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन। आप लोग 16 के बाद नेक्स्ट पेज में आपको दिखा दिए जाएंगे। तो ठीक है, देखते हैं, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिखाया था मैंने, 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। और शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो आप लोग चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक बटन को भी दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो। तो लिखा है, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अनुमान कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री देखे गए हैं। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अनुमान कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री देखे गए हैं। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन ये बताए जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए लिखा है, एक हमारे पास क्या, एक हवाई जहाज है, हमने हवाई जहाज बनाया है, कोई जरूरी नहीं है। इस पे सड़क की ओर क्या गांवों में दो स्थित अनुमान कोण के दे दिए हैं, तुम्हें हमने मान लिया ये दिया हुआ है, तो हवाई जहाज उड़ेगा, ऊपर ही उड़ेगा। ठीक, अब यहां से उसने क्या दोनों हवाई जहाजों की जो दे दी वो दे दी तुम्हें इतनी दे दी है। ठीक, दूरी कितनी दे दी, 2 किलोमीटर दे दी है। तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें, हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर हमारा उड़ रहा है। इनके कोण दे दिए, एक हमें दे दिया कितना 45 डिग्री और एक दे दिया हमको 60 डिग्री, ये दे दिए 2 किलोमीटर यहां से यहां तक दूरी। अब पूछी उसने हवाई जहाज की दूरी बताओ, तो हमने यहां से यहां तक एक्स मान ली, टोटल हमारे पास आ जाएगी क्या 2 प्लस का एक्स, जी मान लिया ए बी सी डी लिख लेंगे, माना यहां पे लिखेंगे, माना हवाई जहाज की ऊंचाई क्या है h किलोमीटर है, किलोमीटर में नीचे दूरी दी, इस बेस ने किलोमीटर में मान ली। अब बीच की दूरी में 2 किलोमीटर दे दी है हवाई जहाज से गांव की, तो अब लिख लेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेंगे, पहले हम ले लेंगे क्या बी सी डी में, जब जे वाला एंगल ले लेंगे, बी सी डी ले लेंगे, तो हमारे पास बहुत आसान है, कौन सा लेंगे एंगल बी सी डी लेंगे, तब आ जाएगा 10 60 बराबर, लंब हमारा एच, आधार हमारा एक्स, 10 60 का मान हो जाएगा हमारे पास √3 बराबर एच अपान एक्स, हमें एच ही चाहिए तो एच बराबर क्या जाएगा √3 इंटू में एक्स, एच का मान मिल गया हमें। अब दूसरा एंगल ले लेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में, अब ए सी डी ले लेंगे तो 10 आ जाएगा 45 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारे पास लंब बटे आधार। ठीक है, अब हो गया, अब यहां से मिल जाएगा 10 45 का मान होता है 1 बराबर h बटे 2 प्लस का x, तो h बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस x, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो समीकरण हमारे पास आ गए, एक जे बन गया 2, ऊपर बन गया हमारा 1, तो लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से, एक बार 2 से ले लेंगे तो जा जाएगा हमारे पास h बराबर आ जाएंगे 2 प्लस का हो जाएगा h अपन √3, बहुत आसान है, तो जा जाएंगे h माइनस के h बटे √3 बराबर 2, इसके टाइम कोई संख्या तो आ जाएगा √3 h माइनस का h बटे आ जाएंगे हमारे पास √3 बराबर 2,
यहाँ से ऊपर से हमें एच कॉमन मिल जाएगा, जो बचेंगे रूट थ्री माइनस का वन बराबर आ जाएंगे टू रूट थ्री, इसका गुणा हो जाएगा। इस पर हमारे पास के बच्चे में कोई संख्या नहीं है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे एच बराबर आ जाएगा हमारे पास टू रूट थ्री अपॉन रूट थ्री माइनस वन, हमारा ये हो गया आंसर। या तो जी हो सकता है या दूसरा आंसर, इस पर हम मान रख देंगे तो आ जाएंगे हमारे पास रूट थ्री का ऊपर नीचे परिमेयकरण कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा टू रूट थ्री इंटू में रूट थ्री माइनस का वन बटे आ जाएंगे हमारे पास क्या तीन माइनस एक, तो जा जाएंगे हमारे पास टू रूट थ्री इंटू में हो जाएगा रूट थ्री माइनस का वन बटे हो जाएंगे दो से दो हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा दो से दो कट जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास क्या रूट थ्री का अंदर गुणा कर देंगे तो जा जाएंगे हमारे पास तीन प्लस हो जाएंगे रूट थ्री, तो जाएंगे तीन प्लस रूट थ्री का 1.732 जाएंगे 4.732 मीटर, या तो हमारा ये भी हो सकता है आंसर, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 11 नंबर क्वेश्चन। अब बताते हैं आपको 12 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा बहुत आसान है 12 नंबर क्वेश्चन भी, आप लोग लगाने की कोशिश करते रहिएगा। आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर वह गया, भवन की ओर कितनी दूरी तक वह चलकर गया हुआ है, वो ये आपको बताना है कैसे। तो लिखेंगे हमें क्या, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर लंबा है, ये हमारे पास 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, एक भवन की ओर चलकर जा रहा है 30 मीटर ऊंचे जो भवन है, भवन कितना हमारे पास है 30 मीटर ऊंचा है, उसकी ओर चलकर जा रहा है, तो जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर के उन्नयन कोण कितना बनता है, इसके आंख से भवन के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार से 60 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री से वो क्या हो जाता है यहाँ पे 60 डिग्री बन जाता है, 60 डिग्री बन जाता है तब हो जाता है, तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी पर जाएगा, तो भवन की ओर वह कितनी दूरी तक जाएगा हमको यक्ष बताना है जी। ठीक है, तो मान लेंगे हम पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी, ये हमारे पास 30 मीटर दी हुई पूरी भवन की लंबाई दे दी है, ये 30 दी हुई है तो हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं, ये 30 है, ये 30 है तो इसमें कम कर देंगे जब जाएगी हमारे पास 28.5, यहाँ पे आ जाएगी 28.5 क्यों आएगी क्योंकि हमारे पास 1.5 यहाँ तक की दी हुई है दूरी, अब हम निकाल सके यहाँ पे यक्स है तो ये यहाँ पे भी हमारे पास यक्स हो जाएगी, बहुत आसान है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको, आप लगा सकते हैं आसानी के साथ में। ठीक है, अब ले लेंगे हम क्या एंगल बनाएंगे बहुत आसानी से, माना भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर है, तो ये जो तो मिल जाएगा 28.5, तो ज्यादा हमारे पास 30 मीटर है हमारा, ओ सॉरी सी सी ई हमारे पास 30 मीटर है, हम निकालेंगे तो ओ डी ई निकालेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास सी ई माइनस का हो जाएगा हमारे पास सी डी, ये जाएंगे 30 माइनस का 1.5 तो ये जाएंगे हमारे पास 28.5, डी 28.5 मिल गया, जे एक्स मिल गया, तो अब निकाल सकते हैं आंसर बहुत आसानी से, लिख लेंगे समकोण जी एक्स है, हमने इसको मान लिया वाई। ठीक है, समकोण त्रिभुज जी डी ई से जी वाई, तो ये टोटल आ जाएगा एक्स प्लस का, तो ये आ जाएगा 33 बराबर लंब बटे आधार, 33 का मान होता है हमारे पास 1/√3, हो जाएंगे 28.5 बटे एक्स प्लस का वाई, ये आ जाएगा हमारे पास क्या एक्स प्लस का वाई बराबर
28.5 माइनस सॉरी इंटू में रूट थ्री, ये बन गया हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट। अब लिख लेंगे त्रिसम कोण त्रिभुज एफ डी ई में, तब आ जाएगा 60 डिग्री बराबर 28.5 बटे वाई। तो 60 का मान होता है हमारे पास रूट थ्री, फिर आ जाएंगे 28.5 बटे वाई, यहाँ पे वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास 28.5 बटे रूट थ्री, ये हो गया। तब वाई का मान रख देंगे, वाई का मान उठा कर रख देंगे कहां पर, समीकरण एक में रख देंगे, कहां पे एक में रखेंगे तभी तो हमें मिलेगा यक्स का मान, तो ज्यादा जाएगा यक्स बराबर आ जाएंगे 28.5 रूट थ्री माइनस को जाएंगे 28.5 बटे रूट थ्री, इससे हमें मिल जाएगा 28.5 का मिल जाएगा, ये बचेंगे रूट थ्री तीन हो जाएंगे और ये माइनस का वन बटे आ जाएगा रूट थ्री, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 28.5 गुणा दो बटे रूट थ्री, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है, अब यहाँ पे रूट थ्री का ऊपर नीचे परिमेयकरण कर देंगे, इतना आसानी से देख लीजिए आप लोगों को, थोड़ा सा यहाँ पीछे बता देते हैं, यहाँ पर जगह अच्छी खाली है, तो यहाँ जाएगा हमारे पास क्या एक्स बराबर आ जाएगा 28.5 गुणा दो गुणा रूट थ्री बटे आ जाएंगे रूट थ्री गुणा रूट थ्री, ये हो जाएंगे 28.5 गुणा दो रूट थ्री बटे आ जाएगा तीन। अब हम इसको भाग दे देंगे, भाग देने पे हमें मिल जाएगा 9 3 27 3 9 27 और 3 5 15 गुणा दो रूट थ्री, तो जो आ जाएगा हमारे पास 5 2 10 5 9 2 18 19 5 0 रूट थ्री जाएंगे 19 रूट 3 हमारे पास आ जाएगी मीटर, तो यक्ष का मान आ गया। लिख लेंगे अतः भवन की ओर लड़के द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी 19√3 मीटर, ठीक है, जी हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर हो गया आपके पास 12। अब बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 13, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 भी आपकी स्क्रीन पर जीरा लिखा हुआ है। एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मंदिर कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाए, और गिवन रूट थ्री का मान हमारे पास 1.732 दिया हुआ है। एक मंदिर है, अब मंदिर अपूर्ण बना हुआ है, उसकी ऊंचाई बताना है तुम्हें, तो लिख लेंगे हमारे पास ये देखिए एक मंदिर यहां तक बना, मंदिर अपूर्ण है तो इसके ऊपर थोड़ा और बना हुआ है, यहां से तुम्हें क्या यहां से दूरी दे दी है 30 मीटर उसने, इस मंदिर से यहां तक का कोण दिया है तुम्हें कितना 30 डिग्री, और इस अपूर्ण जहां से मंदिर अभी और बनना है वहां तक का एंगल दे दिया उसने कितना 60 डिग्री। अब हमें निकालना है इसकी दूरी ए बी सी डी, तो हमें निकालना है ये अपूर्ण मंदिर है वो कितना ऊंचा और बनेगा वो बताना है आपको, मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाए, तो लिख लेंगे माना क्या मंदिर x मीटर ऊंचा और बनाया जाता है, x मीटर ऊंचा बनाया जाता है, तब अब देखिए यहां पे x मीटर जब और ऊंचा बना देंगे तो हमको मिल जाएगा, तब एंगल ले लेंगे हम बहुत आसानी से, साथ में कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, तब आ जाएगा हमारे पास जी अगर हमारे पास 30 है, जी हमें थीटा दिया हुआ है, जी हम एंगल नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे मान लेंगे एंगल, तो जी हमने मान लिया वाई अपनी तरफ से, तब आ जाएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तब आ जाएगा 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, 30 का मान होता है 1/√3 बराबर वाई बटे 30, तो वाई बराबर आ जाएगा 30 बटे रूट थ्री, तो रूट थ्री का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ये जाएंगे 30√3 बटे 3 3 दाम 30, तो वाई बराबर आ जाएगा 10√, वाई का मान मिल गया हमें 10√3, जब ये वाई मिल गया तो टोटल अगर ले लेंगे ये जाएंगे यक्स प्लस का
वाई एंगल हमारा टोटल बन जाएगा जी। बहुत आसान है, आप लोगों को बताया जा रहा है, आसानी से आप लोग देख लीजिएगा। जब हमारे पास वाई जो, अब जब टोटल एंगल लेंगे ए बी डी लेंगे तब हमें का टोटल निकालना पड़ेगा, तब लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी टी में, जब ए बी डी ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10, 60 डिग्री बराबर आ जाएगा लंब बटे आधार क्या 30 रहेगा। 10 60 का मान होता है हमारे पास √3 बराबर एक्स प्लस का वाई बराबर 30। ये आ जाएगा हमारे पास क्या, एक्स प्लस का वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास 30√3। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या यक्स का मान चाहिए, तो आ जाएंगे 30√3 माइनस का वाई। तो यहाँ पे आ जाएगा समीकरण एक से, समीकरण एक बना लेंगे इसको, समीकरण एक से यहाँ पे वाई का मान रख देंगे तो यक्स पर आ जाएंगे 30√3, 30√3 माइनस के 10√3, तो आ जाएंगे हमारे पास 20√3। यक्स मान कितना आ जाएगा 20√3। अब 20√3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, आ जाएंगे 20 गुणा 1.732, तो ये आ जाएंगे हमारे पास एक्स बराबर, बहुत आसान है, 0, 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2 और 1, 3 आ जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ जो हो गया है, यहाँ पे एंगल हमने गलत ले लिया है, यहाँ पे एंगल हमको 45 डिग्री दिया हुआ है, तभी यहाँ से गड़बड़ हो गया, सवाल में आंसर नहीं आएगा आपको लोगों को, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा एंगल ही गड़बड़ हुआ, नहीं बाकी सोल्यूशन तो हम अपनी सही कर रहे हैं, एंगल जब गड़बड़ हो जाता है तभी गड़बड़ हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 45, यहाँ से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ फिर से, यहाँ से इतना आपका सवाल गलत हो गया है, थोड़ा सा फिर से देख लीजिएगा, ये देखिए यहाँ से फिर से लगा देते हैं हम आपको, समकोण त्रिभुज हमारे पास क्या आ गया, लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में से, जी आ जाएगा हमारे पास 10 45, 10 45 बराबर जाएगा हमारे पास एक्स प्लस का वाई लंब बटे आधार 30 दिया हुआ है, 10 45 के मान होता है 1 होता है, तो एक्स प्लस वाई बराबर जाएंगे हमारे पास 30 डिग्री क्वेश्चन सेकेंड। अब इसके आगे आपको सॉल्व करके बता देते हैं, लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, तो जब 1 2 2 को हल कर देंगे तो जब हमें यक्स का मान चाहिए, जी आ जाएंगे 30 माइनस को जाएंगे हमारे पास 10√3, जो आ जाएंगे 30 माइनस के 10 गुणा 1.732, जो आ जाएंगे 30 माइनस के 17.32, तो इसको जब घटा देंगे तो जा जाएंगे हमारे पास कितना आंसर मिल जाएगा हमको 12.68। तो ये हमारा, ये आपका आंसर आ रहा है, इस वजह से आप लोग थोड़ा सा डरिएगा नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सोल्यूशन में, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे इसी के आगे आप लोगों को जो क्वेश्चन सॉल्व करा दिया गया, आपको 13 नंबर तक हो गए हैं आपको क्वेश्चन, और साथ ही साथ आपके लिए बहुत अच्छे से, अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, देश का नाम रोशन करते रहिए, कल फिर मिलते हैं नए जोश नई एनर्जी नए साक्षात, बाय बाय, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ठीक साथ चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके लिए दोस्तों फैमिली मेंबर्स जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको आपको फायदा मिलेगा, तो आप लोग वहां से उनका बेनिफिट और मोरल अप कर सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।